हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकेट रखिंग ब्लॉग। और कैसे हो भाई? मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ, आई होप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो भाई करते हैं आज का ब्लॉग घर से ही स्टार्ट, क्योंकि भाई आज भी अपनी गाड़ी कहीं गई नहीं 86-80, और आज भी भाई घर पे ही खड़ी अपनी गाड़ी। तो अपना गाड़ी में थोड़ा सा काम है, वो काम कर रहे भाई। तो क्या करे भाई, रोड ही इतने खराब हो गए है कि भाई अभी तक रोड ठीक नहीं हुए। जो बारिश में रोड खराब हुए थे उसकी वजह से भाई गाड़ी की टूट फूट बहुत ज्यादा होती है। तो अभी फिलहाल में भाई अपनी गाड़ी का एक पत्ता टूट चुका है अगला, तो वही पत्ता चेंज कर रहे हैं भाई घर पे ही। तो आज के ब्लॉग में बस यही बताएंगे आप लोगों की अपनी गाड़ी में क्या काम काज हो रहा है और क्या नहीं। तो अखिलेश भाई की गाड़ी भी भाई पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि घर पे ही खड़ी है ऐसा, और अपने 86 भी घर पे ही खड़ी है भाई। तो 86 भी घर पे ही खड़ी है, ये रही 86, और 97-47 खड़ी है भाई, ये रही अखिलेश भाई वाली गाड़ी भी 97-47 घर पे ही खड़ी है। क्योंकि भाई अभी 6 दिन करीब हो चुके हैं इस गाड़ी को भी खड़ी, और इस गाड़ी को भी 6 दिन हो गए। तो भाई माल तो था आज भरने का दोनों गाड़ी का, लेकिन भाई आज पहुंचाए नहीं अपनी गाड़ी भरने के लिए, इसीलिए भाई क्योंकि अपनी गाड़ी में एक पत्ता टूटा हुआ है अगला, तो वही पत्ता भाई डालना है अपने को, तो उसके बाद ही पहुंचाएंगे भाई। क्योंकि भाई अगर पहले पहुंचा देते अपनी गाड़ी अभी, मतलब पत्ता टूटे में, तो एक पत्ता भी टूटा है, बाद में दो भी टूट सकते भाई, तो ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि भाई जितने कमाए नहीं उससे ज्यादा लग जाएंगे, तो मतलब क्या भाई गाड़ी भेजने से, उससे अच्छा भाई गाड़ी का काम ही कर लेते हैं और अपना पत्ता नया वाला डाल लेते हैं अपनी गाड़ी में। तो फिलहाल में गाड़ी में पत्ता डाल रहे हैं, अभी नीलेश भाई नीचे गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है, तो कलाम खोल रहा है नीचे के, देख सकते हैं आप ये जो कलाम है, वो कलाम हटाएंगे, फिर इसकी कमानी नीचे उतारेंगे भाई, बाहर करेंगे, उसके बाद में भाई नया पट्टा डालेंगे। तो ये वाला अगला मेन पट्टा नहीं भाई, 4 नंबर पट्टा है ये वाला टूटा, देख सकते हैं आप, और ये कमानी, तो ये पीने वीने सारी बाहर करेंगे भाई। तो नीलेश भाई अभी खोल रहा है कलाम के बोल्ट, तो चलो कलाम के बोल्ट वोल्ट खोलते, कमानी पूरी बाहर करते, उसके बाद करेंगे आप लोगों से बातें भाई। आ चुके हैं गाड़ी के नीचे और अपने खोल लिया है कलाम के सारे बोल्ट भाई। तो ये रहा पाटा, वो टूटा हुआ देख सकते हो आप, यहाँ का एक पाटा टूट गया है भाई, यहाँ का रोड ही इतने खराब हो रखे है भाई, तो क्या कर सकते हैं, तो टूट फूट बहुत ज्यादा हो रही गाड़ियों में अभी यार। तो यहाँ के बोल्ट सारे नट होन खोल लिए, यहाँ के भी और रख दी है इधर, ये पड़े है बोल्ट नट पड़े हुए इसके, तो उतारते हैं भाई कमानी अपनी, ये पीने वीने खोल लेते हैं और कमानी पूरी करेंगे बाहर। तो दोस्तों रोड इतना खराब है यार, तो काफी टूट फूट हो रही है अपनी गाड़ियों में, अपने क्या भाई सबकी हो रही है, और हम दो भाई लगे हुए हैं, देखो हालत हमारी, इधर नीलेश भाई, तो नीलेश भाई के भी हाथ देख सकते हो आप, और ये अपने हाथ भी भाई, तो काफी काले पीले हो गए हम, और खोल ली कमानी को, कर दिया भाई बाहर। तो ये रही भाई कमानी, ये रहा नया पाटा जो नया ले आया, पत्ता स्प्रिंग भी बोल देते बहुत से भाई, स्प्रिंग भी बोलते हैं और पत्ते भी बोलते हैं और पाटा भी बोलते हैं, तो भाई वही है एक ही बात। और ये वाला पत्ता टूटा हुआ देख सकते हैं आप, ये वाला जो इस पत्ते के ऊपर आता है 4 नंबर, तो देख सकते हो। और अपना दिनेश भाई भी आ गया है गाड़ी लेकर के, और दिनेश भाई के साथ में भाई आया है, तो दिनेश भाई की गाड़ी वो खड़ी है, तो उस गाड़ी में भी थोड़ा बहुत क्या रेडियम करवाना है दिनेश भाई को, रेडियम लेके आया है, जो कल मैंने ब्लॉग में आपको बताया था, ये जो गाड़ी साइड में खड़ी थी इसी का काम हुआ था, अगले डंडे वंडे डाले थे ये वाले, और अपना जेक भी लगा लिया भाई, जुगाड़ लगा के, रिक्स वाला काम है थोड़ा सा, पर क्या कर सकते भाई, काम तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हमने जेक भी लगा लिया, ये यहाँ पे जेक लगाया है, और टायर तो लगे हुए है, तो हम सेफ्टी से थोड़ा बहुत काम कर रहे है, तो सेफ्टी से भाई काम कर रहे है थोड़ा बाहर रह करके। तो यहाँ से भाई सिंधवा ले जाना पड़ता गाड़ी, और वहाँ पाटा डलवाते, तो भाई वहाँ ऐसा भी सामान मिलता नहीं, तो मैंने ये पाटा पहले से ला के रखा था कमाने का पत्ता, तो मैंने सोचा घर पे खोल लेते यार, अपने बस बाने पेंची से तो खोल लेते, ऐसे भी भाई कहीं गए नहीं है, धंधे पानी कहीं करे नहीं, क्योंकि 6-7 दिन से तो गाड़ी घर ही खड़ी है, तो कुछ भी नहीं कमाया है भाई, तो अभी जेब तो पूरे खाली हो रखे हमारे, इसीलिए भाई घर पे ही कर रहे थे काम, नहीं तो फिर मिस्त्री के यहाँ ले जाते अगर पैसे रहते तो भाई, अभी तो हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। क्यों दिनेश भाई, सही बात, कैसे धंधे चल रहे गाड़ी के? बेकार चल रहे, तो
तो इसीलिए भाई ये सब कुछ घर पे करना पड़ रहा और काले पीले होना पड़ रहा। तो भाई अपना काम ही है ऐसा, कहीं फंस जाए अपन तो ये काम कर सकते हैं, इसीलिए भाई थोड़ा बहुत सीख जाए काम तो अच्छा है। क्यों दिनेश भाई, अच्छा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। भविष्य में कहीं भी दिक्कत आ सकती है, ऐसा नहीं कि भाई हमेशा गाड़ी शहर सिटी में ही रहेगी, कहीं जंगल में भी रहेगी और ड्राइवर कभी फंस जाता है भाई, तो ये काम अपन घर पे भी और वहाँ जंगल में भी कर सकते हैं। इसीलिए भाई कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटना भाई, करना चाहिए भाई, ये काम मैं कर लूंगा सोचना चाहिए और कर लेना चाहिए। अपना घर का काम है तो अनुभव मिलेगा अपने को, इसके लिए अपन कर रहे हैं। क्या दिनेश भाई, क्या राय है आपकी? हमारी राय है अच्छा काम हो रहा है, करना चाहिए ऐसा, करना चाहिए ना काम, करना चाहिए कोई भी काम, नॉलेज होना चाहिए ड्राइवर को थोड़ा बहुत, क्योंकि रास्ते में अपन रात बिरात की तरफ फंस गए तो थोड़ा बहुत करके घर तक आ सकते अपन। हाँ भाई, तो कर लेना चाहिए काम थोड़ा बहुत, फिर भी नॉलेज ड्राइवर को होना ही चाहिए भाई, तो रात बेरात फंस जाए तो काम लगेगा, ये सब सारा आपको काम देगा। तो करते भाई ये वाला पाटा डालते, फिर मिलते आप लोगों से। कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कोई भी काम भाई हमसे नहीं हो सकेगा ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि भाई हर कोई काम अपनी माँ के पेट से सीख के तो कोई आता नहीं है भाई, अपने को यहीं पे सीखना है, यहीं पे काम करना है, सब कुछ यहाँ आने के बाद ही कर सीख जाता है इंसान। तो कभी भी भाई कोई भी काम में पीछे नहीं हटना और हिम्मत जरूर रखना भाई कि ये काम मैं कर लूँगा, ऐसे भाई हिम्मत रखे तो रास्ते में कभी भी भाई आप ही लोग परेशान होंगे, सेठ तो भाई घर बैठे रहेगा, अपनी गाड़ी में जो भी कोई दिक्कत परेशानी काम आएगा तो भाई ड्राइवर ही परेशान होगा रास्ते में। तो इसीलिए कहता हूँ भाई कि थोड़ा बहुत काम आप लोग भी जो ड्राइवर भाई है वो सीख जाए तो बहुत ही अच्छा है भाई, क्योंकि उसमें अपना फ़ायदा है और अपना फायदा ही है और क्या है भाई, फायदा ही है ना। तो इसीलिए भाई खुद काम थोड़ा बहुत कर ले और रास्ते में जो भी दिक्कत आए तो गाड़ी को अपन ठीक करके कम से कम मैकेनिक के वहां तक ला सके भाई। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है भाई कि आप लोगों को बताओ और आप लोगों को भी मैं हिम्मत दिलाओ, तो ठीक है भाई। तो फाइनली दोस्तों हो चुका अपना कमानी वमानी और पाटा वाटा डालना, सारा काम हो गया भाई, और हालत देख सकते भाई हाथ की देखो कैसे हो रखी, और अपने नीलेश भाई की भी देखो भाई, बुरे हाल है अपने तो। तो भाई बहुत ही मेहनत लगी आज, आज हमको पता चल गया भाई पत्ता डालने में कितनी मेहनत लगती है और जो कमाने के काम करते हैं भाई, जो पाटे डालते हैं वो कितनी मेहनत करते होंगे भाई। तो अभी नाइट ही हो गई हमको ये काम करते करते भाई, तो हो गई अपनी कमानी वमानी गाड़ी की, कर दी फिट, तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये रही भाई 86 अपनी, और कमानी कर दी भाई फिट, तो नया पाटा डाल दिया है, ये देख सकते भाई सारा कलाम मलाम कसना सारा काम अपना हो गया भाई, कस दिया कलाम भी, और नया पाटा ये वाला है, दिख रहा होगा आपको ये वाला डाला है हमने, तो सारा काम कर दिया है। आगे से भी बताता हूँ मैं आपको, सारा कसने वसने का सारा काम हो गया भाई, तो ये देख सकते हो काम करते करते भाई नाइटी हो गई। तो अब धोएंगे हाथ पैर, क्योंकि काफी खराब हो रखे हाथ वगैरह दोनों हाथ मेरे, तो दिखाता हूँ मैं दूसरा हाथ भी, ये देख सकते भाई। तो अभी इसको पहले डीजल से धोना पड़ेगा, उसके बाद साबुन से धोएंगे तो ही निकलेगा भाई, क्योंकि ये ऑयल ग्रीस के हाथ है ना, हाथ हो रखे ग्रीस में पूरे, इसीलिए भाई। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते है आपको अगले ब्लॉग में, कहीं भरने जाएंगे कल, कुछ ना कुछ माल जरूर भरेंगे भाई अपनी गाड़ी में, क्योंकि भाई काफी दिन से अपनी गाड़ी खड़ी हो चुकी है भाई, और अपनी गाड़ी की भी किस्त भी 8-10 दिन बाद फिर गाड़ी की किस्त भी भाई आ जाएगी, तो गाड़ी कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा और अपनी गाड़ी की किस्त के पैसे भाई वसूल करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।